वर्षों का विश्वास 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आम तौर पर राजनीति की रवायत यही है कि वार पलटवार राजनीति में चलता है, राजनीतिक हमलों के जवाब में दूसरी पार्टियां, विरोधी पार्टियां राजनीतिक हमले करती है, यानी कि एक दूसरे का हमले का जवाब देती है। तो सियासत में हमलों का यह सिलसिला चलता है, इससे राजनीति गरमाती है, उबलती रही है। लेकिन बिहार की राजनीति का मिजाज बदला हुआ है, बिहार की राजनीति का मौसम बदला हुआ है और कहीं ना कहीं बिहार की सियासत की वो रवायत भी बदली हुई है, जहाँ हमलों से ज़्यादा खुलासे हो रहे हैं। सिलसिलेवार कई खुलासे हुए हैं हाल के दौर में, राजनीतिक खुलासे हुए हैं और इन राजनीतिक खुलासों से बिहार की सियासत उबलती रही है, उफनती रही है और गर्म रही है बिहार की राजनीति। तो कई खुलासे हुए हैं, पहले लालू यादव की किताब में यह खुलासा हुआ कि नीतीश कुमार बीजेपी को झटका देने की तैयारी में थे, दोबारा लालू यादव से दोस्ती चाहते थे। बाकायदा लालू यादव ने अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया है, उस किताब का नाम है गोपालगंज टू रायसीना माई पोलिटिकल जर्नी। इस किताब के खुलासे के बाद प्रशांत किशोर लालू यादव पर हमलावर हो गए, क्योंकि प्रशांत किशोर का जिक्र था कि प्रशांत किशोर मध्यस्थ बनकर जाते थे लालू यादव के पास और नीतीश कुमार की दोस्ती की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। क्योंकि लालू यादव को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं था, इसलिए लालू यादव ने इस दोस्ती से मना कर दिया। तो जब लालू ने यह खुलासा किया तो प्रशांत किशोर ने लालू के इस खुलासे को झूठ बताया, सत्यता से परे बताया, उसकी सत्यता पर सवाल उठाए, खारिज किया इसको। उसके बाद तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर पर हमलावर हो गए। फिर राबड़ी देवी ने खुलासा कर दिया कि हाँ, प्रशांत किशोर आते थे, मिलते थे, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो सिलसिलेवार तरीके से लगातार कई खुलासे होते रहे हैं और इससे बिहार की राजनीति गरमाती रही है और लालू यादव की किताब से शुरू हुआ खुलासों का सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया है। सुशील मोदी ने यह खुलासा कर दिया कि लालू यादव सीबीआई से बचने के लिए मिलते थे अरुण जेटली से, पहले दूत भेजा करते थे प्रेम गुप्ता के रूप में, फिर खुद भी मुलाकात की थी। तो जाहिर है इस खुलासे के बाद भी बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया, उबाल आ गया और अब फिर एक नया खुलासा कर दिया है। सिलसिलेवार कई खुलासों से शुरू हुआ यह सिलसिला, यानी कि लालू यादव की किताब से शुरू हुआ खुलासों का यह सिलसिला पहुंच गया है जीतन राम मांझी तक, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जीतन राम मांझी ने आज बड़ा खुलासा कर दिया है, जीतन राम मांझी ने कि राम विलास पासवान एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में एंट्री चाहते थे। लालू यादव से कई बार उन्होंने बातचीत की थी, लालू यादव ने मुझसे सलाह मांगा, यानी लालू यादव से जब कई बार बातचीत की कर चुके थे रामविलास पासवान की महागठबंधन में एंट्री चाहिए, बकौल जीतन राम मांझी ने यह खुलासा किया है। तो लालू यादव ने सलाह ली थी जीतन राम मांझी से कि क्या पासवान, रामविलास पासवान जो लोजपा के अध्यक्ष हैं, उनको एंट्री मिलनी चाहिए महागठबंधन में। तो जीतन राम मांझी ने मना कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जीतन राम मांझी का यह बयान सामने आ रहा है, बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि रामविलास पासवान महागठबंधन में एंट्री चाहते थे, एनडीए छोड़ना चाहते थे, लालू यादव से बात करते रहे थे और जब लालू ने मुझसे सलाह मांगी तो मैंने मना कर दिया, उनकी एंट्री नहीं होने दी, यानी रामविलास पासवान की एंट्री मैंने महागठबंधन में रोक दी। जाहिर है ये खुलासा बड़ा है, इससे भी बिहार की राजनीति में भूचाल उबाल तय है और इससे बिहार की राजनीति गरमाएगी। तो बिहार की सियासत का मूड बदला हुआ है, मिजाज बदला हुआ है और बिहार की सियासी रवायत बदली हुई है। यहाँ हमलों से ज़्यादा खुलासे हो रहे हैं और सिलसिलेवार कई खुलासे हुए हैं जिससे बिहार की राजनीति उबलती उफनती और गर्माती रही है। तो इस खबर में इतना ही, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।